सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है 1 से 13 जुलाई के बीच में, तो इस वाले वीडियो में सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 की परीक्षा के लिए जीएस जीके का मॉडल पेपर देखेंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकेंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकेंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है आपके 1961, बी है 1985, सी है 2001, डी है 1975। देखिए, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये प्रारंभ किया गया था वर्ष 1985 में। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें जान लीजिए, जैसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपए नकद, द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र जो है वो भेंट किया जाता है। यह पुरस्कार केवल ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप के साथ साथ क्रिकेट, स्वदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट जैसे आयोजनों में शामिल व्यक्तियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है राजा राम मोहन राय, डी है हर्षवर्धन। देखिए, एशिया का जो प्रकाश है ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य तथ्य जान लीजिए। देखिए, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, यह बुद्ध के जीवन के बारे में सर एडविन एनोल द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके विज्ञानेश्वर, बी है चाणक्य, सी है जयदेव, डी है कल्लण। प्रसिद्ध राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध राज तरंगड़ी के लेखक हैं कल्लण। राज तरंगड़ी ऐतिहासिक पुस्तक इतिहासकार कल्लण द्वारा लिखित है। राज तरंगड़ी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। राज तरंगड़ी शब्द का अर्थ राजाओं की नदी है। राज तरंगी पुस्तक उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है। पुस्तक में 7826 छंद हैं, जिन्हें तरंगास तरंगों नामक 8 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। कल्लण ने 12वीं शताब्दी 1100 से 1150 में राज तरंगड़ी लिखी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि पावापुरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? ऑप्शन है आपके गौतम बुद्ध, बी है गुरु नानक देव, सी है विनोबा भावे, डी है महावीर स्वामी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि पावापुरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर स्वामी से संबंधित यह स्थान है। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी है और पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म में पावापुरी एक पवित्र स्थान है क्योंकि यह महावीर जी का अंतिम संस्कार क्षेत्र था। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, किसी कवि गुरु की उपाधि दी गई है, किसे कवि गुरु की उपाधि दी गई है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी एस सरदार पटेल, सी है कालिदास, डी है तुलसीदास। रविन्द्रनाथ ठाकुर को गुरु की उपाधि दी गई है, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु रविदास अथवा गुरु रैदास मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सतगुरु थे, इन्हें संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि दी गई है। छठा क्वेश्चन है कि पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन है आपके ए हिमाचल प्रदेश, बी है गुजरात, सी है छत्तीसगढ़, डी है मुंबई। पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
पंडवानी लोक गायन की एक शैली है जिसमें महाभारत की कहानियों का वर्णन शामिल है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में लोकप्रिय है और लोक मंच का यह रूप मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सातवां क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके, एक कटक, बी है कानपुर, सी है गुड़गांव, डी है हैदराबाद। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में स्थित, तो ये ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1946 को, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना के बाद ब्राउन स्पॉट रोग 1942 और बेगा अकाल 1943 का प्रकोप हुआ। डॉक्टर के रामैया इसकी संस्थापक निर्देशक थे। 1966 में इसका प्रशासन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नियंत्रण में आया। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आठवें क्वेश्चन की बात करेंगे, आठवां क्वेश्चन है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, शिमला। देखिए, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फैक्ट की बात करें, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की 1962 में स्थापना की गई थी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ITBP की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। वर्तमान में इस बल को लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के मध्य तैनात किया जाता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नवा क्वेश्चन देखिएगा गाइस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके लंदन, बी है टोक्यो, सी है न्यूयॉर्क, डी है पेरिस। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में आयोजित किया जाता, तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। 1930 से 1932 के तीन गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों में इसकी एक श्रृंखला थी। दसवें क्वेश्चन की बात करेंगे, दसवां क्वेश्चन देखेगा, ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार कर लीजिए आप लोग। अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है शाहजहां, डी औरंगजेब। देखिए, अढ़ाई दिन झोपड़े का जो निर्माण ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका निर्माण सिर्फ अढ़ाई दिन में किया गया और इसका नाम अढ़ाई दिन झोपड़ा पड़ गया। इसका निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत विद्यालय को खंडित तोड़कर मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 दिसंबर, बी है 15 जनवरी, सी है 26 नवंबर, डी है 24 दिसंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की, जो कि मानव पर्यावरण पर स्कॉट होम सम्मेलन का पहला दिन था। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और पाकिस्तान इस बड़े दिन का वैश्विक मेजबान होगा। बारहवें क्वेश्चन की बात करेंगे, बारहवां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एफिल टावर किस देश में स्थित है? डेनमार्क, USA, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। प्रसिद्ध एफिल टावर ये फ्रांस में स्थित है, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, एफिल टावर फ्रांस देश के पेरिस शहर में स्थित है। पेरिस फ्रांस की सबसे बड़ी सिटी और कैपिटल भी है। एफिल टावर क्यों इतना प्रसिद्ध है, ये तो आपको पता ही होगा। तेरहवां क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। देखिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो आपको ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुच्छेद 156(2) के अधीन
राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? वित्तीय आपातकाल, बी है राष्ट्रपति शासन, सी है राष्ट्रीय आपातकाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर बात हो रही है अनुच्छेद 352 की, तो अनुच्छेद 352 का संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल से। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, वृहा आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 15वां क्वेश्चन देखिएगा, किसे बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी, बी है नर्मदा, सी है ताप्ती, डी है गोदावरी। देखिए बृहद गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसलिए इसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्रुंकवेश्वर में है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों से बहते हुए 1465 किलोमीटर पूर्व में बहती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एच जेड श्री नीचे की आवर्ती वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं? शब्द तरंगे, बी है पराशब्द तरंगे, सी है अपशब्द तरंगे, डी इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अपशब्द तरंगे। अपशब्द तरंगे के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। 20 Hz से नीचे से आवर्ती वाली ध्वनि तरंगों को अपशब्द तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। इस प्रकार के तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। 17वां क्वेश्चन है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7.4, 8.4, 9.4 या फिर 6.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पीएच हाइड्रोजन की शक्ति को दर्शाता है। पीएच का उपयोग किसी बिलियन की अंगली या क्षारीय प्रकृति को मापने के लिए किया जाता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल का परिसर 0 से 14 तक होता है। 7 के बराबर का पीएच उदासीनता इंगित करता है। 7 से कम पीएच अंगलता को इंगित करता है और 7 से अधिक का पीएच क्षारक को इंगित करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि रक्त का पीएच मान अगर पूछा जाए 7.4 होता है, जल का पीएच मान पूछा जाए तो जल का पीएच मान 7 होता है, बेकिंग सोडा का पीएच मान पूछा जाए तो बेकिंग सोडा का पीएच मान 9 होता है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? के, डी, ई, सी। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी में घुलनशील विटामिन वे होते हैं जो शरीर के ऊतकों तक ले जाते हैं लेकिन शरीर में जमा नहीं होते हैं। विटामिन सी और विटामिन वी कॉम्प्लेक्स के कुछ रूप पानी में घुलनशील होते हैं। 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस, 19वां क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। फैक्ट की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं पोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिटियम। और हाइड्रोजन के 3 ज्ञात समस्थानिक हैं जिनमें से प्रत्येक का परमाणु भार 1, 2, 3 है। इन्हें क्रमशः प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिटियम नाम दिया गया है। 20वां क्वेश्चन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, अग्र। देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, अन्य मात्रक ग्राम, जी और मिलीग्राम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्षेत्रफल जो है ये एक अदिश राशि, तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है जिसका परिमाण संलग्न क्षेत्र के समान है और दिशा क्षेत्रफल के तल के लंबवत है। 22वें क्वेश्चन की बात करेंगे, 22वां क्वेश्चन हमारा है कि ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दांत का,
बालों का, यकृत का, अस्थियों का। देखिए एस्ट्रोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद, लाल, हरा, काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग जो है काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में वायु नहीं है इसलिए वहाँ प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन नहीं हो पाता, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में आकाश काले रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है अगला क्वेश्चन है गाइस कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी है भारी जल, सी है साधारण नमक, डी है बेकिंग सोडा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी जल। 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे, 25वां क्वेश्चन, निर्वात में खालिस्तान तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, दोनों इनमें से कोई नहीं। निर्वात में ध्वनि तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पदार्थ का दोलन जो किसी माध्यम से ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी होता है को यांत्रिक तरंग कहा जाता है। यांत्रिक तरंग को हमेशा गति करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, यह एक निर्वात के माध्यम से गति नहीं कर सकती। 26वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है नींबू में कौन सा अंग पाया जाता है? एस्टिक अंग, वी है ऑक्जेलिक अंग, सी इलेक्ट्रिक अंग, डी है साइट्रिक अंग। देखिए नींबू में साइट्रिक अंग पाया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नींबू का रस 2.3 औसत पीएच वाला एक बहुत ही अंगलीय फल का रस है। इसमें साइट्रिक अंग प्रमुख कार्बनिक अंग होता है, जिसमें एस्कॉर्बिक अंग, विटामिन सी की कम लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा होती है। रस से मौलिक अंग भी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27वां, तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीफ, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, मोसले। देखिए तत्वों की आवर्त सारणी के जनक है मेंडलीफ, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वें क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, डायनामो, विद्युत बल्ब। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है विद्युत मोटर, तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत मोटर एक विद्युत मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अधिकांश विद्युत मोटर एक सॉफ्ट घूर्णन के रूप में बल उत्पन्न करने के लिए एक तार कुंडलन में मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के बीच पारंपरिक क्रिया के माध्यम से प्रचालन करते हैं। एक विद्युत जनरेटर डायनामो यांत्रिक रूप से एक विद्युत मोटर के समान है लेकिन विपरीत दिशा में संचालित होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग एक ही आवृत्ति पर शक्ति रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, नाइट्रोजन। ऑप्शन वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑर्गन गैस प्रयुक्त होती है। बल्ब में उपयोग होने वाली टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या ऑर्गन जैसी रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस भरी जाती हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? मलेरिया, डेंगू, दोनों, टाइफाइड। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, टाइफाइड। मच्छरों के द्वारा टाइफाइड रोग नहीं फैलता है। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 की परीक्षा के लिए जीके जीएस के कुल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।